warm welcome to TV Ka Pataka, your one-stop destination for all entertainment news. Well, दोस्तों, serial गुम है किसी के प्यार में से जुड़ी हुई सभी latest updates हम आप तक पहुंचाते हैं इस channel के जरिए सबसे पहले. खबर सामने आ चुकी है और नए सीरियल का बहुत बड़ा अपडेट भी निकल कर आ चुका है सामने. तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस दिलचस्प वीडियो को. लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें. वेल, आपको बता दें कि अब यहाँ पर सबसे बड़ा धमाका होगा क्योंकि जजेस ने दे दिए हैं कुछ अलग से इंटरेस्टिंग अवार्ड्स और सभी और जो ईशान है उसे मिला है, उन दोनों की जोड़ी को मिला है बेस्ट जोड़ी का अवार्ड. जी हाँ दोस्तों, इन दोनों के परफॉर्मेंस ने स्टेज पर आग लगा दी. इनकी केमिस्ट्री ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए और हर किसी को यही लग रहा है कि जैसे ये दोनों सच में शादीशुदा हों. इसीलिए इनकी जोड़ी को हम बेस्ट जोड़ी का अवार्ड देते हैं. ये सारी बातें वहाँ आए हुए जजेस ने कही है और वहाँ के जूरी मेंबर ने भी मानी है. जब ये सब कुछ भोसले परिवार ने सुना तो गुस्से के मारे उनकी तो आंखें लाल हो गई. लेकिन आखिर स्टेज पे सब लोगों के सामने मीडिया कवरेज के आगे वो लोग क्या ही कह पाते. इसीलिए झूठी हंसी दिखाकर, झूठी खुशी दिखाकर ताली बजाने पर मजबूर थे. लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर अब धुर्वा और साथ ही साथ सुरेखा बहुत बड़ा और घटिया कदम उठाएंगे क्योंकि एक तरफ तो मिल चुका है बेस्ट जोड़ी का अवार्ड और किसी को नहीं बल्कि ईशान और सभी को. लेकिन यहाँ पे उस अवार्ड को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिया जा रहा है. उनके पास एक बहुत ही सुंदर ट्रॉफी है जिसमें लिखा हुआ है बेस्ट जोड़ी ऑफ द ईयर. लेकिन ऐसे में दोनों के दोनों यानी कि सभी और ईशान बहुत ही ज्यादा शर्माने लगते हैं, ऑकवर्ड हो जाते हैं कि आखिर हमें ये कैसा अवार्ड मिल गया, हमें ये क्या मिल गया. लेकिन दोस्तों, किस्मत का लिखा आखिर कौन ही पलट सकता है. क्या आप लोगों को भी लगती है इन दोनों की जोड़ी सबसे बेस्ट? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं. साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें.